देखिए ये मन की खुशी है, क्योंकि जिसके साथ खुदावन ने इतना बड़ा चमत्कार किया वो नाचेगा नहीं तो, क्योंकि उस मां को पता है कि उसकी बच्ची को खुदावन ने मौत के मुंह से बाहर निकाला है। ये नाच इसलिए नहीं है कि असंभव था ये काम जो खुदा ने संभव किया, तो नाचेंगे क्यों नहीं। पर डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारी इसमें कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई इसके इस सिस्टर को इसके बच्चे को। किसी की खुशी हमारी खुशी, मैंने कहा किसी की खुशी हमारी खुशी। और खुदावन ऐसे आप सबको भी बहुत सारी खुशी दे चुके हैं। आमीन आमीन। ये ढोल क्यों बज रहा है? तो ढोल इस बात का प्रतीक है। ढोल कब बजता है? जब कोई बड़ी खुशी की बात होती है। हाँ? और मैं विश्वास करता हूं आपको भी खुदावंद सेम इसी तरीके से आपके जीवन से भी अपनी महिमा करा चुका है। ऊंचे वाला आमीन चाहिए अगर चाहते हो तो मुझे। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ओके ठीक है, तो अभी हम पहले गवाही सुनेंगे कि ये ढोलक क्यों बज रहा है, क्योंकि जब बच्चे हैं तो साथ में और भी छोटे वाले बच्चे वाले खड़े हैं। ठीक है, तो ठीक है पहले हम गवाही सुनते हैं। ठीक है बताओ। हालेलुया। तो प्रेरित जी, जे सिस्टर का नाम राजा है और जे मोदल गांव के रहने वाले हैं, और जे सिस्टर की गवाही जे बता रहे हैं कि इनकी मैरिज को 1.5 साल हो गया था, और जे सिस्टर बता रहे हैं कि जे बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनके जूटर इनके बच्चेदानी में स्वेलिंग थी, सोज थी, और जिसके कारण जे बेबी कंसीव नहीं थे कर पा रहे। और जे सिस्टर बता रहे कि इन्होंने कोई भी मेडिसिन कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया, इनको परमेश्वर पर विश्वास था कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। और जो सिस्टर बता रही कि जो लगातार ही थर्सडे संडे की मीटिंग में आते थे, और जो सिस्टर बता रही कि जब भी प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे, और जब भी प्रभु के दास के मुख से बेबी ब्लेसिंग के लिए, जब जिनके गर्भ में कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी कारण जिनके गर्भ बंद है, जो बता रही कि जब भी प्रभु के दास के मुख से वर्ड आता था उस समय जो रिसीव करते थे। पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। फिर मैंने कहा मरे हुए गर्भास खुदा की उसके ची उठने की सामर्थ से, उसकी ची उठने की सामर्थ से आज कर उठी उठेंगे। मैंने कहा मरे हुए गर्भ ची उठेंगे, मरे हुए गर्भ ची उठेंगे, ओ मरे हुए गर्भ ची उठेंगे। मैंने कहा मरे हुए गर्भ ची उठेंगे, मैंने कहा आज मरे हुए गर्भ ची उठेंगे, मैंने कहा ची उठेंगे, मरी हुई अड्डियां ची उठेंगी। और जो सिस्टर बता रहे कि जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और परमेश्वर इनको बेबी की ब्लेसिंग से परमेश्वर इनको ब्लेस कर दिया, और जो बता रहे कि जैसे जो ब्लेस हुए और उसके बाद जो बता रहे कि जब इनको 7वां मंथ लगा उस समय जो इनका ब्लड था खून था वो बहुत ही कम रहता था, जो बता रहे कि वो 5 ग्राम से बढ़ नहीं रहा था, और जो बता रहे कि इन्होंने ड्रिप भी लगवाए थे पर फिर भी जो खून था वो बढ़ नहीं रहा था, जिसके कारण डॉक्टर ने भी कहा था कि आपको डिलीवरी के टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है और आप इसके लिए इंजेक्शन या ड्रिप या जो भी अगर फ्रूट्स है कुछ भी आप खाओ ताकि जो ब्लड है आपका बढ़े। और जो बता रहे इन्होंने सब कुछ किया पर ब्लड इनका बढ़ा नहीं, 7वें मंथ से लेकर जब तक इनकी डिलीवरी का टाइम आया जो इनका ब्लड था वो 5.1 रहा। पहले हम उस रिपोर्ट को देखेंगे।
इसमें इसमें कितना है? इसमें 5.1 5.1 थोड़ा जूम करो और 5.1 है। हाँ ठीक है, ओके। कारण आपकी डिलीवरी नहीं हो सकती, तो जो इनकी मदर थी उन्होंने बोला कि हमारी बेटी को बहुत ज़्यादा पेन है, आप इसकी डिलीवरी करो, पर डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारी इसमें कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई इसके इस सिस्टर को इसके बच्चे को। और जिस सिस्टर की मदर ने बताया कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है और हमारे पास जितने पैसे हम आपको दे देते हैं, और डॉक्टर ने कहा कि अगर आप इसकी जिम्मेवारी लेते हैं तो आप सिग्नेचर कर दें, साइन हमें दे दें और आपकी जिम्मेवारी पर ही हम इनके डिलीवरी करेंगे। और जैसे ही इनकी मदर ने साइन कर दे और इनकी मदर को विश्वास था कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे 9 मंथ तक जो बता रहे कि जैसे परमेश्वर ने अगर इसको संभाल कर रखा है तो डिलीवरी के टाइम भी परमेश्वर सब कुछ कर सकते। और जैसे इनकी मदर ने विश्वास किया और साइन कर दे, जैसे डिलीवरी हुई तो उस समय जो इसका 5.1 होता पर उससे भी कम हो गया, 4 ग्राम खून रह गया और डॉक्टर काफ़ी ऐसे परेशान थे। पर जैसे इनकी मदर का बिलीव था, विश्वास था, तो उससे परमेश्वर ने इनकी डिलीवरी भी बहुत ही अच्छे से की और डिलीवरी भी इनकी नॉर्मल हुई और परमेश्वर ने इनको बेटे के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करो भाई ऊंचा। हाँ सुनो, और भी है। हाँ बताओ। और डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी तो आपकी हो गई है और जो इनका खून है वो बहुत कम है और आगे आप ध्यान करें क्योंकि आपका बेबी जो आपकी फीड लेगा और दूध लेगा, इसके लिए आपको इसके और भी केयर करनी होगी। और अभी जो बता रहे कि डिलीवरी के बाद जो इनका खून था वो बढ़ गया था, वो था 7.5। अभी हम उस रिपोर्ट को देखेंगे। ओके ओके, तारीफ करेंगे इस बात के लिए भी। सुनो, असंभव बात को संभव कौन कर सकता है? जो काम मनुष्यों से नहीं किससे हो सकता है? मेडिकल लाइन में कभी भी ऐसा नहीं होता, मैं सच्ची कहता हूं। एक प्रेग्नेंट जो स्त्री है, औरत है, कम से कम उसका खून उसकी डिलीवरी के समय कितना चाहिए? 9 से कम नहीं चाहिए। वैसे तो वो 10-11 भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? 10-11 ग्राम कंपल्सरी है, जरूरी है, समझे हो? पर जरूरी है कि वो तो कहते हैं 10-11 होना चाहिए, पर 9 से कम नहीं वो करते। 9 से अगर खून कम है तो कहते हो नहीं, मुश्किल है, पहले इसका तब इसकी डिलीवरी होगी, पहले इसका खून जो है पूरा होगा। पर जब ये प्रेग्नेंट थी 7 महीने तो इस तब इसका खून 5.1। हाँ, जब डिलीवरी का समय आया तो जिस दिन डिलीवरी का समय था उस दिन इसका खून सिर्फ 4 ग्राम रह गया। और कभी भी ये पॉसिबल है, ऐसा होता नहीं, कभी भी नहीं होता, कभी ऐसे केसेस हो ही नहीं सकता, डॉक्टर कहते नहीं। इसलिए इनकी मदर को डॉक्टरों ने बोला कि हम नहीं कर सकते, अगर आपने करना है। शुक्र है, पहले तो उन्होंने बोला था आप और कहीं पर ले जाओ, और हॉस्पिटल में ले जाओ, पर इन्होंने कहा, इन्होंने जैसे रिक्वेस्ट की नहीं, है ना, मतलब क्योंकि वो डॉक्टर तो नहीं जानते ये किस पर विश्वास करते हैं। हाँ, क्योंकि डॉक्टरों को तो नहीं पता, पर इस बच्ची को और इसकी माता को पता था, इनके मदर को। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर उन्होंने कहा परमिशन रास्ता खोला, वो कहते ठीक है, फिर आपने साइन कर दो, हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी नहीं है। अगर आपने करवाना केस, बच्ची बचे, बच्चा उसका बचे ना बचे, इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। पर इनकी मदर ने साइन कर दिए, किसके विश्वास से, किसके ऊपर विश्वास रखकर। और देखो बाइबल में जैसे लिखा है कि परमेश्वर कभी भी अपने चुने हुए लोगों को उनके मुंह कभी काले नहीं होने देंगे, और सच में ये परमेश्वर ने इस काम को करके दिखाया। और ये बोल रहे थे कि जब इसका डिलीवरी का समय था इनके पास उतने पैसे भी नहीं थे। बोले क्या, जितने थे उन्होंने कहा हमारे पास इतने ही है, आप कर दो, हम साइन करते हैं। हाँ, अब और कोई ऑप्शन भी नहीं है, जैसे ऑप्शन होती है लोगों के पास पैसा है ये वो सुविधा होती है, तो कोई और सुविधा भी नहीं थी। इसलिए ऐसी चीजों में खुदावंद बोलो क्या करता है, अपने लोगों का
100% वो साथ देता है जब आप संपूर्ण भरोसा रखते हो, क्योंकि ऑप्शन भी कोई नहीं थी। तो जैसे इनकी मदर ने ये साहस किया, आज देखो इम्पॉसिबल था कि 4 ग्राम खून है इसका रह गया और इसका कैसे डिलीवरी हो ही नहीं सकती, पर खुदावंद ने किया। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। क्या हुई? नॉर्मल डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी, और वो भी खुदा ने बेटे से ब्लेस किया। क्या किया? बेटे से ब्लेस किया। तारीफ करो अपने दोनों हाथ। दिल खुशियां दे नाल भर आया, दिल खुशियां दे नाल भर आया, दिल खुशियां दे नाल भर आया, तैनू की तू दसा उछल उछल के नचा, तू बरक तद दिया यीशु ने, उछल उछल के नचा, तू बरक तद दिया यीशु ने। आमेन, आमेन, आमेन। तो ठीक है, और भी कुछ करना चाहते हैं? जी अपनी जी। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं। हाँ ठीक है, आया बरकता साडे वेड़े, आया बरकता साडे वेड़े, खुशियां होइया चार सुबेरे, खुशियां होइया चार सुबेरे, आया बरकता साडे वेड़े, आया बरकता साडे वेड़े, खुशियां होइया चार सुबेरे, खुशियां होइया चार सुबेरे, तू ही मेरे दिलदारानी, तू ही मेरे उछल के नचा, तनु बरक तद दिया यीशु ने, उछल उछल के नचा, तनु बरक तद दिया यीशु ने, खुशियां दे नाल भर आया, खुशियां दे नाल भर आया, मैं किनू किनू दसा, मैं उछल उछल के नचा, तनु बरक तद दिया यीशु ने, उछल उछल के नचा, तनु बरक तद दिया यीशु ने, यीशु जे तू आया नूनू मुस्काया, यीशु जे तू आया नूनू मुस्काया, तेरे हाथ रोटी आवा, मैं बोलिया नच 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 यीशु ने, मैं बोलिया नच 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 यीशु ने, मैं बोलिया ओके। ये मन की खुशी है, क्योंकि जिसके साथ खुदावंद ने इतना बड़ा चमत्कार किया वो नाचेगा नहीं? तो क्योंकि उस माँ को पता है कि उसकी बच्ची को खुदावंद ने मौत के मुंह से बाहर निकाला है। ये नाच इसलिए नहीं है कि असंभव था ये काम जो खुदा ने संभव किया, तो नाचेंगे क्यों नहीं? हाँ बोलो, नाचेंगे क्यों नहीं? तारीफ करो खुदा मन की जोर से जोर। ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप।